दोस्तों, नोकिया की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जो कि है बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन बजट रेंज में, नोकिया का C3। नोकिया ने इस स्मार्टफोन को गुपचुप तरीके से मार्केट में उतार दिया है। नोकिया C3 स्मार्टफोन इंटरनेशनल टेक मार्केट में लॉन्च हो गया है और इस फोन की कीमत सिर्फ 7,000 रुपए। उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में नोकिया C3 इंडिया में भी सेल के लिए मौजूद हो जाएगा। इंडिया में फोन की कीमत इससे भी कम होने की उम्मीद है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोकिया के C3 के लुक और डिजाइन को लेकर। तो नोकिया C3 को कंपनी की ओर से लो बजट में उतारा गया है। ये फोन बेजल डिस्प्ले पर लॉन्च हुआ है जिसमें स्क्रीन के चारों ओर बॉडी पार्ट दिया गया है। फ्रंट पैनल पर लोअर बेजल पर जहां नोकिया की ब्रांडिंग लगी है, वही ऊपर बेजल पर सेल्फी कैमरा और स्पीकर फिट है। फोन के बैक पैनल पर आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि पैनल के बीच में वर्टिकल शेप में मौजूद है। इसमें फ्लैश भी शामिल है। कैमरा सेटअप के ठीक नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। फोन के दाएं पैनल पे आपको वॉल्यूम रॉकर और बाएं पैनल पे पावर बटन दिया गया है। इसी तरीके से फोन के निचले पैनल पे USB पोर्ट पर स्पीकर मौजूद है। बात करते हैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की नोकिया C3 की। तो नोकिया C3 जो है वो 5.99 इंच की HD+ डिस्प्ले को सपोर्ट करता है 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। ये फोन को कंपनी की ओर से एंड्रॉइड 10 पे लॉन्च किया गया है जो कि 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की क्वालकॉम स्पीड वाले ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ यूनिशॉक का SC9863A चिपसेट पे ये रन करता है। भी ग्राफिक्स के लिए इस फोन में आपको IMG8322 GPU दिया गया है। नोकिया C3 को इंटरनेशनल मार्केट में 3GB रैम मेमोरी पर लॉन्च किया गया है और ये फोन 32GB की इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है जिसे आप माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 400GB तक बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी सेगमेंट की बात करें तो नोकिया C3 LED फ्लैश के साथ 2.0 अपर्चर वाला 8MP का रियर कैमरा सपोर्ट करता है। इसी तरीके से सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 2.4 अपर्चर वाला 5MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है। नोकिया C3 जो है वो रियल डुअल सिम फोन है जो कि 2 नैनो सिम के साथ ही माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं आप, जिसकी मदद से आप मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं। ये फोन जो है वो 4G वोल्टेज के साथ ही 3.5mm हेडफोन जैक और अन्य बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS जैसे फीचर्स के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए जहां नोकिया C3 में आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में देखने को मिल जाता है, वहीं पावर बैकअप के लिए ये फोन जो है वो 3040mAh की बैटरी सपोर्ट करता है। कीमत की बात करते हैं तो नोकिया C3 को कंपनी की ओर से सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत है लगभग की $100, तकरीबन इंडिया रिकॉर्ड्स के 7,000 के अप्रोक्स लॉन्च हुआ है। और ये फोन सबसे पहले चाइना मार्केट में लॉन्च किया गया है जहां इसे आने वाले 13 अगस्त से आप ब्लू कलर और सैंड कलर में खरीद सकते हैं। भारत में इस फोन की कीमत भी कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल नोकिया C3 को इंडिया में लॉन्च करने के लिए भी थोड़ा टाइम का इंतजार करना पड़ सकता है। तो नोकिया जो है C3 को लॉन्च कर चुकी है और उम्मीद है कि ये जब इंडिया में लॉन्च होगा तो ये 7,000 से कम की रेंज में आने वाला है। 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो कि एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन होने वाला है।